हाय गाइस, दिस इज सैम और आज के जो हमारे खास गेस्ट हैं, गेस कीजिए उनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर होंगे। गेस कीजिए, 1.6 करोड़, मतलब 16 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और कम से कम 200 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है, और वो भी मात्र बहुत कम एज में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो विशाल प्रजापति हैं और आज हम पूरी जर्नी जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक छोटे से एरिया से निकल करके इस चैनल को इतना बड़ा बनाया, क्योंकि पूरी इंडिया में टॉप 10 के अंदर आता, एक टाइम पे इनका नंबर 1 चैनल चल रहा था और अभी भी टॉप 10 में इनका चैनल बना हुआ है। तो थैंक यू विशाल प्रजापति जी हमारे साथ आने में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई। पहले विशाल प्रजापति जी आप बताइए मेरे को, आने में यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुआ, आराम से आ गए। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट जानना चाहूंगा, आपकी एज कितनी होगी? मेरा एज है अप्रोक्स 22 की एज में, मतलब जिस एज में अपनी इंडिया के अंदर में लोग सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते और सोचना शुरू करते हैं कि अर्निंग करें नहीं करें, उस एज में इन्होंने इतना बड़ा चैनल चला दिया। तो जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो विशाल जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल से रिलेटेड सवाल पूछेंगे कि जो आप कंटेंट डालते हैं अपने चैनल पे, आपकी बहुत सारी वीडियोस वायरल भी, मुझे याद है आपने बताया था तेरा घाटा मेरा घाटा, उस समय क्या हुआ था, उस समय कुछ वो इंसिडेंट बताइए। अरे एक्चुअली उस समय क्या था कि मतलब जब हम लोग YouTube पे काम कर रहे थे तो जब भी कोई नया ट्रेंडिंग टॉपिक आता था हम लोग उस टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर देते थे। अच्छा। और उस टॉपिक को हम लोग छोड़ते ही नहीं थे, काफी दिन तक उसी टॉपिक पे काम करते रहते थे। ये कब की बात है? ये कम से कम हो गया वो 3 साल पहले की बात है, मतलब जब टिकटॉक चल रहा था अपने इंडिया में। और अच्छा। ये जो लड़कियां वायरल हुई थी टिकटॉक से ही हुई थी, फिर उसी चीज को हमने यूट्यूब पे वायरल करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो उस समय वो जो चला उससे वीडियो वायरल, तो कितने दिन चला था ये तेरा घाटा? कम से कम 1 हफ्ते तक चला था। अच्छा, और इसमें हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गया था। अच्छा। और अभी एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन कॉपीराइट स्ट्राइक। नेक्स्ट सवाल यही भी था, यही नेक्स्ट सवाल था, तो उस कॉपीराइट से आपने कैसे डील किया? अरे उस समय टिकटॉक देखो आज बैन तो हो गया, लेकिन मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी था वो। अच्छा। क्योंकि एक टाइम पे टिकटॉक के तरफ से कोई मतलब उनको हम लोग रोस्ट करके हम लोग वीडियो वायरल किए थे, तो कहीं ना कहीं लीगल कंप्लेन गया था। हाँ। तो उन लोगों ने हमारी वीडियोस को टेकडाउन करवा दिया था। अच्छा। तो टेकडाउन होने के बाद हम लोग रिक्वेस्ट किया टिकटॉक से, उन लोगों ने वार्निंग देके उस चीज को हटा दिया था। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अच्छा, वार्निंग देके हटा दिया, वार्निंग देके कि भाई आगे से ऐसी गलती मत करना, उस वीडियो को मतलब जो और भी वीडियोस है उसको डिलीट कर दो, हम कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लेंगे। उन लोगों ने डिलीट करवाया और फिर स्क्रीनशॉट मंगाया पूरे चैनल का कि हाँ कहीं वो वीडियो है तो नहीं, तो फिर वापस हमने मतलब भेज दिया स्क्रीनशॉट, और जो स्ट्राइक आया था उसको तो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि डिलीट कर देंगे स्ट्राइक भी नहीं हटेगा, तो फिर उन लोगों ने स्ट्राइक हटा लिया था। मतलब ऐसा है कि जो यूट्यूबर सोचते हैं कि कहीं से वीडियो उठा के डाल दो, वो रिस्की रहता है। रिस्की बहुत ही ज्यादा रहता है। वैसे आपसे ज्यादा बेहतर कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो मतलब रिस्की रहता है, कहीं से भी आप कंटेंट उठा के नहीं डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता कहीं से भी कुछ भी उठा करके हम नहीं डाल सकते, डाल दे। तो उसमें फिर कमाया भी आपने खूब होगा। कमाया तो था, ऐसा तो नहीं। अच्छा, जैसे आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, कैसे आपके माइंड में स्टार्टिंग में आया था कि मतलब एक यूट्यूब चैनल चलाए कैसे? देखिए, जैसे कि हमने क्लास 12th पास आउट किया था, और क्लास 12th को पास आउट करने के बाद कुछ टाइम पीरियड मिलता है कॉलेज टाइम स्टार्ट होने में, तो वो टाइम पीरियड ऐसे होता है 2-3-4 महीने का रहता है। तो उस टाइम पीरियड में हम लोग फ्री बैठे हुए थे और काफ़ी सारे क्रिएटर उस समय नए नए आए हुए थे, जैसे अमित खाना हो गए, अपने टेक्निकल दोस्त, तो ऐसे लोग आ रखे थे वहाँ पर, नए नए क्रिएटर आए थे, हम लोग उनको देखा करते थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि चलो हम भी वीडियोस बनाते हैं और हम भी नेम और फेम कमाएंगे। अच्छा, उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जाते हैं। हमने चैनल बनाया वहाँ पे वाइंस वीडियो बना करके डालना स्टार्ट कर दिया, मैं मेरा छोटा वाला भाई था, हम लोग बनाते थे वहाँ पे डालते थे। आपके छोटे भाई आकाश भाई है ना? आकाश प्रजापति। आकाश प्रजापति। तो फिर हम लोगों ने वाइंस वीडियो बनाया, वहाँ पे कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने एक बार अमित भडाना की बायोग्राफी बना लिया। अच्छा। और उस वीडियो को हमने अपलोड किया, वो मेरे वॉइस में ही था, और उसको हमने अपलोड किया, वो 24 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गया था। तो क्रॉस होने के बाद फिर उसके बाद वायरल हुआ, सब्सक्राइबर आ गए थोड़े मोड़े, फिर उसका धीरे धीरे करते करते चैनल को ग्रो किया। मतलब कि इसमें ये है कि एग्जैक्ट कुछ पता नहीं होता कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, है ना? लेकिन जो हमने अपने चैनल को स्टार्ट किया था, तो हमें तो एक वाइंस वीडियो बनाने से स्टार्ट किया था। हाँ। वाइंस वीडियो बनाने के बाद वहाँ पे हमने कुछ कंपनीज होती हैं जो फ्रॉड कर जाती हैं, उनका भी वीडियो बना करके डाला हमने। फिर उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करने लगे, जैसे मैंने बताया था टेरा घाटा, रानू मंडल और कावड़ यात्रा के बारे में, तो इन सब चीज़ों को कवर करने लगे। तो इन सब चीज़ों को कवर करते 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 आज एक फैक्ट लाइन के कैटेगरी में हमारा चैनल आ गया है। अच्छा। एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में आता है और फैक्ट लाइन के कैटेगरी में वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए अब तो। जिस चीज़ को ये बहुत ईजी बता रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, उस पर 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं
और भाई ने बहुत पैसा कमाया, हो सकता है आपको एंड में बता दे, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बता देंगे तो बढ़िया है। अच्छा, ये जैसे आप ये सब स्टार्ट किए, तो जब पहली बार जब पेमेंट आई थी, तो जब पेरेंट्स को बताने का कुछ जब हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ जरूर होगा, क्योंकि देखो एक यूट्यूबर की लाइफ में होता है, कैसे वो इंसिडेंट क्या था? एक्चुअली देखिए, जब हमारे पास तो पेमेंट होता ही नहीं था उस समय, तो उस समय जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, गोवा का ट्रिप बना रखे थे, गोवा गए हुए थे हम लोग, तो मेरी पेमेंट आई थी 2-3 महीने की एक ही बार पेमेंट आई थी मेरे पास, तो आई थी अप्रोक्स 65,000 के आसपास। जब 65,000 रुपये मेरे अकाउंट में आया था, मैं तो बिल्कुल देख के खुश हो गया, भाई मेरा पेमेंट आ गया यूट्यूब का। और अभी आप बता रहे थे मुझे कि जब आप वहाँ गए तो आपको ये भी नहीं पता था कि किराया वापस कैसे जाएंगे, है ना? ये देखो, वापस जाने का टिकट था हमारे पास, अच्छा। ट्रेन का टिकट था, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, अच्छा। और आप समझ सकते हैं कि कंफर्म ना हो तो क्या ही हाल रहता है, बहुत बुरा हाल रहता है। जब मेरा पेमेंट आ गया तो मैंने तुरंत फ्लाइट का बुक कराया, तुरंत वहां से फ्लाइट से आया मैं वापस, भाई लोगों से कहा पहले वेटिंग चल रही थी, पैसा आते ही सीधा फ्लाइट से, है ना? तो पापा को कब ये बात बताई? मतलब घर पे धीरे धीरे, घर पे मतलब अचानक से मैंने नहीं बताया था कि मेरा पेमेंट वेमेंट आने लगा, धीरे धीरे करके पता चला कि हाँ मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पहले के लोग हैं उनको ज़्यादा पता नहीं रहता है ये सब चीज़ों के बारे में कि यूट्यूब क्या है, या तो यूट्यूब से पैसे भी कमाए जाते हैं, इतने लोगों को नहीं पता रहता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते हमने बताया कि हाँ हम लोग चैनल चलाते हैं वहाँ पे, उसके हमने यूट्यूब की तरफ से पैसे आते, पूछते हैं कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझाया तो घर वाले समझे कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे करके पैसे कमाते हैं। तो आज तो पूरा अच्छे तरीके से समझ गया, अगर कोई पूछता है तो बता भी देते हैं कि लड़के चैनल चलाता है, इतने चैनल से उसको इतने इतने रुपए, मतलब ऐसे मोटा मोटी करके बता देते हैं कि लड़का क्या करता है करके। लेकिन उस समय थोड़ा समझने में दिक्कत होती थी, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है, कैसे समझाएं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था यूट्यूब के ज्यादा बारे में, कभी कभी वीडियो नहीं डल पाती है, प्रजापति न्यूज पे काफी सारे चैनल पे, पापा को पता ही मैंने बता रखा है सब चैनल हमारे, तो फोन कर देते कि वीडियो क्यों नहीं डाला आज। तो अभी जब भगवान की दया से आपने काफी अर्निंग भी कर ली है, तो कहाँ कहाँ स्पेंड किया है आपने, कुछ आइडिया? एक्चुअली जब हमने अपना प्रजापति न्यूज स्टार्ट किया तो वो हमारा प्राइमरी चैनल था, हमने एक चैनल से आज कम से कम 8 या 9 चैनल्स को रन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और कम से कम 8 से 9 चैनल बना करके छोड़ भी दिए हैं, अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमने 15 चैनल खोला है तो 15 चैनल मार्केट के अंदर नहीं चलते हैं, चलेंगे कम से कम 2-3-4, इससे ज़्यादा नहीं चलता है, तो बहुत सारे चैनल बना करके हमने छोड़ भी दिया, और बहुत सारे चैनल को अभी मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, मतलब अलग अलग कैटेगरी में भी। मतलब आप यहाँ से एक सीख हम देख सकते हैं कि मतलब कंफर्म नहीं होता है अगर हम कोई चैनल चलाए तो वो चलेगा ही, बट हमें ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना चाहिए। हमें एक चैनल खोल लो, ये मैं आपके सब्सक्राइबर लोग को बता रहा हूँ कि एक चैनल खोल लो, उस पर आप सब कुछ डालो, अच्छा, जो कुछ मन करे सब कुछ डालो, अपना खुद का कंटेंट डालो, लेकिन क्योंकि अगर आप खुद के कंटेंट नहीं डालेंगे, अगर आप शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, अच्छा। अगर आप खुद के कंटेंट पे काम करेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, और उसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं और आपके कोई वीडियो वायरल हो जा रहा है, तो आप समझ लो कि आपके चैनल की कैटेगरी वही बनने वाली है, मतलब जो वीडियो फंस गई। मान लो कि अगर आपने कोई डाला है हेल्थ से रिलेटेड डाला है कि हाँ इसको खाने से ये बीमारी दूर हो जाएगा, वो बीमारी दूर हो जाएगा, अगर वो वीडियो वायरल हो गया तो समझ लो कि आपका चैनल हेल्थ में चला गया, अच्छा। और उसी से रिलेटेड 3-4 वीडियोस और बनाओ, वो सारे के सारे वीडियोस वायरल होते जाएंगे, फिर उसके आगे आप उसी से रिलेटेड बनाते रहो, ऐसे चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट हो जाता है। मतलब पहले स्टार्टिंग में जो समझ में आ रहा है वो डालते चले जाओ, बिल्कुल, और जो एक बार फंस गई उसी में घुसा दो, घुसा दो, ये मेन रूल है इसके अंदर, है ना? सही, अगर उससे अलग इधर उधर गए तो फिर से चैनल डेड हो सकता है, डेड हो सकता है, सही बात। तो जो आप इतना कमाए वो पैसा कहाँ जा रहा है ये बताओ। एक्चुअली वो देखिए, हम ज्यादा पैसे अपने पास नहीं बचाते हैं, क्योंकि हमारे पास टीम भी है, अच्छा। तो उनको मैनेज करने के लिए भी पेमेंट जाता है उनके लिए, तो जो पेमेंट आता है हमारे पास कम से कम 16 से 15 लोग का टीम है, उसमें स्क्रिप्ट राइटर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया, तो सारे लोग है उसके अंदर, तो सबको सैलरी भी देना रहता है, तो जितनी सैलरी आती है उतने में उन लोग का भी खर्चा निकल जाता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा अपना भी जो होता है। समझ रहे ना भाई, समझ रहे ना, मैंने आपको बोला था कि शायद, कंफर्म नहीं बोला था कि बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बट समझ जाओ, अब सबका ये हिसाब किताब रहता है, लेकिन ये है भगवान की दया से एक नॉर्मल बंदा, हाँ। जो भी जॉब करता है उसको 12 से 15 हजार रुपए चाहिए, हाँ। उस तरीके से 15 लोग काम कर रहे हैं, समझ लीजिए उसके, हाँ, हिसाब बस से। मैथ लिखाना, कैलकुलेटर निकालना, फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो आपने कोई गाड़ी वाड़ी या फिर कोई जमीन वगैरह कुछ परचेजेस किए उससे? जैसे मैंने क्या किया था, मैंने तो स्कूटी ली थी, हाँ। दो, एक स्कूटी ली, एक बाइक ली, और मेरी सिस्टर ने कार खरीदी। मेरा तो कार में इंटरेस्ट है, पैसे लगाने का मन नहीं। आपने कोई कार वगैरह ली? कार वार तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने अपने प्रॉपर्टी लाइन में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो भी मैंने पर्सनल के लिए किया हुआ है कि आने वाले टाइम में वहाँ पे मैं एक अपना अच्छा सा ऑफिस बनाऊंगा पर्सनल, क्योंकि अभी जो अपना सारा सेटअप है किराए पे है।
किराए पे बना करके रखे हुए, लेकिन आने वाले टाइम में खुद का हो जाएगा। मतलब कि पूरा पूरा ध्यान इस बात पे है कि अर्निंग से हम और भी जरिया खोजे, जिससे भी जरिया खोजे। मतलब यहाँ बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिल रही है कि एक्चुअली होता भी ऐसा, जितने भी गरीब फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, हम भी उसी से ही है। तो जैसे ही पैसा सडन आता है, हम लोग यही दिमाग लगाते हैं भैया कार ले लो, क्योंकि उसको दिखाना है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पैसे तो हमारे पास हैं, हम कल चाहे कल कार निकलवा रहे, लेकिन हमारी वो थिंकिंग नहीं है। हम पहले उस चीज को इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने काम के अंदर। जब हमारे पास उस चीज से और उसका डबल पेमेंट आने लगेगा, जब हमें लगेगा कि हाँ भाई अब पैसे अफराद हो गए, अब इसको हमें करना चाहिए खर्च, समझ रहे हो? बिल्कुल। एक्चुअली में जितना मुझे भी अब तक समझ में आया है, लॉजिक यही होना चाहिए। देखिए, अगर आप गरीब फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब स्पेशली मैं सब्सक्राइबर के लिए है, जो मुझे इनकी बातों से समझ में आया और जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, शुरुआत के जो आपके पैसे होते हैं, जो भी आप अर्निंग करते हैं, उसको काम को बढ़ाने में लगाइए। और जब उसको आप लगाएंगे, उससे जो आपको रिवेन्यू मिलेगा, यानी आपके खुद के कमाए से नहीं, जो आपने पैसा लगाया है और उससे जो हमारा रिवेन्यू आएगा, यानी कहते हैं एसेट से जो पैसा आ रहा है, एक्चुअली जो आपने पैसा कमाया है वो आपका नहीं है। सही बात है। उससे जो आपने एसेट लिया है, और एसेट से जो आया है उससे जो ऐश करना है, जैसे अंबानी है, वॉरेन बफेट है, ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कभी भी अपना हार्ड अर्न मनी नहीं लगाते। नहीं लगाते। तो अभी इनका, वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं हमने प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, आने वाले टाइम में घर बनवा देंगे, किराए पे उड़ जाएगा, तो सारा पेमेंट हमारा जनरेट होता रहेगा ऐसे से। अब मेरे को ये बताइए, जैसे जब आपने 3-4 साल पहले यूट्यूब शुरू किया था, और अभी अभी एग्जैक्ट जो चल रहा है सिचुएशन, तो एक नए यूट्यूबर को या कोई जो यूट्यूब का प्लान कर रहा हो, क्या आपको लगता है खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खोलना चाहिए। अगर किसी बंदे को किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उसको अपना चैनल पे भी दिखाना चाहिए। अगर चैनल, अगर उसको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो अपना चैनल बनाए और यूट्यूब पर आ करके उससे रिलेटेड बना करके डाले वीडियोस। मतलब आपके हिसाब से डालना चाहिए? डालना चाहिए। अच्छा। कहीं ना कहीं यहाँ पे तीन चीज होता है, तीनों चीज लक होता है। अच्छा। कहीं ना कहीं उसका लक अच्छा हुआ, वो वीडियो निकल जाएगा और उससे वो वायरल भी हो सकता है। वैसे मैं इस लक को एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना मुझे समझ में आया। लक का मतलब ये कहना चाह रहे हैं विशाल भाई कि आप काम में लगे रहो, कभी ना कभी भगवान आपका कोई ना कोई पॉइंट चला देंगे और जिससे काम बन जाएगा। लक ऐसा नहीं है कि आप कहीं ना कहीं, आज मैं भी बैठा हूँ और आप भी बैठे हैं, तो हम लोगों ने रेगुलर काम किया है। अगर हम अगर एक लक के ऊपर भी बैठे रहते कि हाँ भाई हमारा लक होगा चल ही जाएगा, अगर हम काम ना करते हम सोचते लक होगा चल जाएगा, नहीं चल पाता। कहीं ना कहीं हम लोगों ने कंटिन्यू काम भी किया है, रेगुलर काम किया है, तब जा करके हम लोग को लक, जो ऊपर देख रहा था हाँ बंदा काम कर रहा है इसको निकालो आगे, तो भगवान ने हम लोग को निकाला हुआ है। बिल्कुल सही। यानी यहाँ पे आप लोगों को सीखने के लिए ये है कि जो भी आप काम करो, मुझे पता है उस समय आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन देखो करना तो पड़ेगा, है ना? सही बात है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अपना चैनल बना लो, अपना चैनल को आराम से चलाओ, चल जाएगा। क्योंकि इस समय जो प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन है, लॉन्ग वीडियोस पे तो ज्यादा नहीं आ रहा है व्यूज। अगर शॉर्ट्स पे कोई काम करे तो बहुत स्मूथली वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। अभी तो भी मोनेटाइजेशन के लिए अपडेट आ चुका है यूट्यूब की तरफ से, जनवरी से मोनेटाइज भी होगा। और मेरे को इतना पता है कि जितना लॉन्ग वीडियो से नहीं कमाई होती, उतना आप शॉर्ट वीडियो से कमाई होने वाली है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो जितना वायरल होता है, जितना लॉन्ग वीडियो भी वायरल होता है। सबसे पहले मैं चला लूं अपना शॉर्ट से, तब खोलना तुम लोग शॉर्ट। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से फ्यूचर शॉर्ट है? शॉर्ट से, शॉर्ट से। क्यों? क्योंकि लोगों को नॉलेज चाहिए कम से कम टाइम में। अच्छा। लॉन्ग वीडियो देखना पसंद ही नहीं कर रहा। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि जितने शॉर्ट वीडियो वायरल हो जा रहे मार्केट के अंदर, उतना लॉन्ग नहीं हो रहा है। अरे है, मैंने कई सारे ऐसे चैनल देखे, मात्र 150 वीडियो में 4 मिलियन 6 मिलियन, अरे 2-2 महीने पहले आया भाई सब्सक्राइबर, हद होती है। तो वही तो है, YouTube प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है कहीं ना कहीं। और अब तो और भी मजा ही आने वाला है, क्योंकि मोनेटाइजेशन भी चालू हो जाएगा अच्छा खासा। अभी रिसेंट में 2-3 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ 23 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल आपके हिसाब से ये है, स्टार्ट करना तो शॉर्ट से करो, बहुत अच्छा। शॉर्ट्स का बूम होने वाला है, मैंने लेकिन बता दिया पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मेरा वायरल होने तब करना भाई, है ना? हम लोग आगे रहेंगे। अरे मजाक है यार, करो और क्या, जिसका जहाँ किस्मत होगा वहाँ लेके जाएगा। बिल्कुल, बाकी ट्राई करते रहो। विशाल भाई बोले ही है कि भैया एक ना एक फंसेगा, उसका मामला हो जाएगा। अच्छा, आप एक और चैनल चला रहे हैं जो आपका कपड़े वाला चैनल है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हमने मतलब यूट्यूब का तो चल ही रहा है, लेकिन हमने एक पार्ट टाइम में भी बिजनेस करके रखा हुआ है, कपड़े का है वो। हाँ। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है हमारा, उसका लाइसेंस है, सब कुछ बना हुआ है। डायरेक्ट विदेश से उसको अपने मंगाते हैं इंडिया के अंदर, उसको होलसेल में बेचते हैं। अच्छा, तो विदेश से मंगाते हैं इंडिया के अंदर? अरे उसका कुछ लंबा खेल है, जैसे आपको पता होगा कि विदेशों में कपड़े एक दो बार पहन करके फेंक देते हैं। अच्छा। कहीं कहीं पानी का कमी रहता है, तो वो सब चीजें
इंडिया में आता है। अच्छा। हमारे पास ही नहीं था, उसके बहुत बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी लिंक लगा तो हमने लगाया उस चीज को। अच्छा। और उसको डायरेक्ट हम इंडिया में मंगा करके, बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं जो इंडिया में रिटेलर होते हैं, हाँ। वो हमारे पास विजिट करते हैं, हाँ। चैनल के थ्रू, हाँ। फिर उसके बाद वो कपड़े देखते हैं कैसा क्या, उसमें सब ब्रांड का कपड़ा रहता है, एक बार दो बार पहने हुए रहते हैं उतना पता भी नहीं चलता, वो तो उसको लेके जाते हैं ड्राई क्लीन करा के, उसको टैग वैग लगा के उसको एक नंबर मतलब इस बिजनेस में भी यूट्यूब डाल दिया है ताकि वैसे भी सही बात है, एक आप बता भी रहते हैं अगर कोई बिजनेस आप यूट्यूब के थ्रू, हाँ, करें, जैसे फिजिक्स वाला था वो अच्छा। बताओ सिर्फ पढ़ा रहा था, आज 1 मिलियन की उसकी पूरी वैल्यूएशन आ गई है, और ऐसे बहुत सारे अनअकैडमी वगैरह। देखिए अगर हमें कोई ऑनलाइन बिजनेस को रन करना है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं हम यूट्यूब को एक तो ले सकते हैं, देखो एक तो आप पैड करके अपनी चीज़ों को प्रमोशन कर सकते हैं विथआउट पैड किए हुए, जैसे जो अपना यूट्यूब है वहाँ पे हमें कोई भी पैड नहीं करना है, किसी चीज़ को पैसा नहीं देना, हमने खुद की वीडियोस को बनाना है, खुद को डाल के वहाँ वायरल कराना है, वो ऑर्गेनिक हुआ। और एक चीज़ होता है कि हम उसको पैसे दे करके हम उसको आगे तक ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं, मतलब टारगेट करके लोगों गूगल एडवर्ड के थ्रू लोगों तक पहुँचा रहे हैं, दो तरीके का है। तो हमारे पास भाई चैनल है, चैनल चल रहा है, वहाँ से हम बिजनेस स्टार्ट कर लिए। बहुत कुछ है यूट्यूब से मतलब, लेकिन ये है स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए जिसने स्कूल भी मतलब उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इन्होंने मुझे बताया कि स्कूल में ज्यादा पढ़ने में ठीक नहीं थे, हाँ नॉर्मली थे, मतलब ज्यादा भी, ये तो ये कह रहे हैं कि ये एवरेज जो होता है ना उससे भी कम थे, हाँ। तो मतलब एक मोटिवेशन वाली बात है कि जरूरी नहीं होता कि आप किसी फील्ड में अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो आप आगे किसी फील्ड में नहीं जा सकते, बस लगे रहने वाली बात है, लगे रहने चाहिए, तो ये मोटिवेशन वाली बात है। और फिर यहाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम रेगुलर काम करेंगे ना तो बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि इसका जो एल्गोरिथम है ना यूट्यूब का कुछ ऐसा ही है। अच्छा। रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, एल्गोरिथम समझाएंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मेन हिस्सा है वो क्या है, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी क्योंकि उसका एल्गोरिथम है, हमारे माइंड में फंसा हुआ है क्या क्या चीज होता है, उसको समझाएंगे तो काफी लंबा होगा, उसको कभी और समझाया जाएगा, है ना। चलो विशाल भाई बहुत अच्छा लगा, रेवेन्यू तो आपको बता ही दिया होगा, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, लगे रहो, लगे कोई रहो, ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा लगे रहो, जिससे हम आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। देखो हमारी लाइफ में तो आया, विशाल भाई की लाइफ में भी में बदलाव अच्छे से आया। काफी यूट्यूबर के लाइफ में बदलाव आया, जितने भी हमारे साथ के यूट्यूबर थे, आप किसी से भी इंटरव्यू लेंगे सभी लोगों का यही क्वेश्चन रहेगा कि हाँ भाई बदलाव आया है विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, जो यूट्यूब ने करके हमारे लिए दे दिया वो शायद हम अपने पूरे फ्यूचर में भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कभी फ्यूचर में भी नहीं कर सकते जो हमने यूट्यूब में 2-1.5 साल के अंदर कर लिया है, जबकि ये चीजें पहले लोगों को पूरा जीवन भर भी लग जाता, पूरा जीवन भर लग जाता था, लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन जो यूट्यूब ने दिया वो बहुत हम लोगों को दिया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो लगे रहो, बस विशाल भाई का यही कहना, लगे रहो, आज नहीं तो कल किस्मत चमकेगी। थैंक यू सो मच विशाल भाई हमारे शो पर आने के लिए, वेलकम।